हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, आखिरकार जुडिशियल रिव्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रावधान है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को इस जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्हाट इज इट, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। इट इज पावर ऑफ जुडिशियरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव एनएक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स में तो देखा कि स्टेट में जो है तीन ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा जुडिशियरी। दरअसल ये तीनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसीज में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जुडिशियरी होती है उस पर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर हो और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, यानी कि द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लास्ट रिसोर्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशियरी होता है। तो ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियरी को एम्पावर करता है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू करें, ताकि ये बता सके क्या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के जितने भी एनैक्टमेंट्स हैं, अगर लेजिस्लेटिव हो तो उनके बिल्स और एक्ट्स है, अगर एग्जीक्यूटिव हो तो उनके ऑर्डर्स वगैरह, वो कॉन्स्टिट्यूशन के इन अकॉर्डेंस है या नहीं, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके के रिव्यू को ही हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का पावर इकलौता सिर्फ जुडिशियरी को ही दिया गया है। On examination, if they are found to be violative of the constitution, that is ultra vires, they can be declared as illegal, unconstitutional and invalid, that is null and void by the judiciary. अगर जुडिशियल रिव्यू करने के बाद जुडिशियरी को ये लगता है कि हाँ जो भी एनैक्टमेंट किया गया है, जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसे इलीगल प्रोक्लेम किया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पूरा इनवैलिड ही उसे प्रोक्लेम किया जा सकता है, यानी कि नल एंड वॉइड, इट विल नो मोर बी एन एक्ट और इट विल नो मोर बी एन ऑर्डर। तो ये बहुत ही पावरफुल एक टूल है जो जुडिशियरी के हाथ में दिया गया है। Consequently, they cannot be enforced by the government. एक बार judicial review के बाद अगर किसी act को invalid बना दिया गया या फिर किसी executive order को constitutional कहा गया, तो you can no further enforce that. हर हाल में जो है वो null and void हो जाता है। Both Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 226 are empowered with the concept of judicial review. Both Supreme Court और High Courts को भी constitutional प्रावधान दिए गए हैं कि वो judicial review कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो पहले देख लें, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और जुडिशियल रिव्यू जो है इसी का हिस्सा है, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है, पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे चेंज नहीं कर सकती। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ही हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आइए इन डिटेल देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कई बार इस तरीके के फ्रेजेस देखे, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी लफ्ज तो इस्तेमाल किया गया है लेकिन उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया। तो इस तरीके से ऐसे कई आपको वर्ड्स मिलते हैं। सिटीजनशिप, हमने उसके बारे में भी बात किया कि सिटीजनशिप के बारे में कहते तो है लेकिन सिटीजनशिप होती क्या है उसका डिटेल फॉर्म जो है हमें नहीं दिया गया, वो फर्दर जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू को भी जो है कहीं पर भी इसका वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। जिस लाइक फेडरेशन की जब हम बात करते हैं, नोवेयर यू विल फाइंड द वर्ड Federation, but you will find Union of States. Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of the fundamental rights shall be null and void. तो Article 13 जो है वो Part 3 का हिस्सा है, one of the most powerful या फिर the most powerful provision कह सकते हैं पूरे Constitution का। तो ये खुले तौर पर छूट देता है Supreme Court को या फिर बाकी के जितने भी judiciary को है कि अगर कोई भी act, कोई भी executive order fundamental rights के खिलाफ जाता है, directly एक प्रावधान रखा गया है कि हर हाल में उसे null and void declare करना ही चाहिए। तो सबसे पहला power जो judicial review का आता है वो Article 13 से ही आता है। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली रिट इशूइंग पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमने कई बार सुना रिट्स के बारे में भी, अलग अलग तरीके के रिट्स होते हैं, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, सर्श्योररी, प्रोहिबिशन, तो इस तरीके के पांच अलग अलग रिट्स होते हैं। तो इन रिट इशूइंग पावर भी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एससी ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, यानी कि विद इन स्टेट्स जो कोई भी इश्यूज आते हैं, फिर सेंटर स्टेट से कोई भी इश्यूज आते हैं, तो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, यानी कि इस तरीके के केसेस जो आते हैं वो किसी भी हाई कोर्ट में या किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में नहीं जा सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें सुनता है। तो ये भी जुडिशियल रिव्यू का ही हिस्सा है। आर्टिकल 132 दैट इज अपीलेट अथॉरिटी। हर अपील जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट की, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलेट बॉडी। आर्टिकल 143 दैट इज एडवाइजरी। प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लीगल इशू से रिलेटेड, या फिर कोई भी अगर लीगल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एडवाइस वो मांगना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हो।
तो ये सभी चंद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप देते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।